हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2022 की ईयरली रीडिंग। तो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि 2022 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो 2022 में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। तो देखिए, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अगर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग से शुरू करना चाहते हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र इन जनरल 2022 पे डाल लेते हैं। तो देखिए, जब हम 2022 को टोटल करते हैं, वी गेट नंबर 6। और नंबर 6 न्यूमरोलॉजी में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह कंफर्ट, लग्जरी, लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फन, मज़ा, मस्ती, एंटरटेनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग और व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, या तो इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा फोकस 2022 में रहने वाला है या फिर ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में ऐड हो सकती हैं। और देखिए, अगर आपका प्रोफेशन भी इन्हीं सब में से है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी 2022 में काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। और देखिए, शुक्र की राशियाँ होती हैं लिब्रा एंड टॉरस। शुक्र के मित्र हैं सैटर्न एंड मर्कुरी। सैटर्न और मर्कुरी की राशियाँ हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी। और इन राशियों के लिए भी 2022 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए भी 2022 अगेन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करें तो 2022 अगेन काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिन राशियों को मैंने अभी मेंशन किया, या फिर से अगर आपका नेम, नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 369 है तो आपके लिए थोड़ा सा खास अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, दूसरी बात, आई ट्रूली बिलीव दैट नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। और कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है। और देखिए, इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही लें, क्योंकि देखिए, जो भी इस रीडिंग में आप देख रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देख के, या फिर आपको लगता है कि यही आप 2022 में अपनी लाइफ के लिए चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि भाई ये तो आप 2022 के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए नहीं चाह रहे थे, तो वहीं पे आपने पॉज करके थोड़ी सी चेकिंग करनी है। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग जो भी आपकी करंट एनर्जीज हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, बिहेवियर है, उसी के बेसिस पर एक प्रोबेबल आउटकम है, ये 100% नहीं है। इनफैक्ट देखिए, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको 100% नहीं बता सकता, क्योंकि नोबडी इज गॉड, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और देखिए, ह्यूमन बींग्स का एक लिमिटेड विजन होता है। तो देखिए, फिर से इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और कभी भी आपको लगे कि भाई ये आप 2022 के लिए अगेन नहीं चाहते हैं, तो आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आपके गोल्स के साथ आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स अलाइन हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम सब लोगों की लाइफ का मसला ही ये है, हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हम अपने गोल्स को भी नहीं अचीव कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ और मैं गोवा के बारे में सोच रही हूँ, गोवा की टिकट्स देख रही हूँ, गोवा के रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स देख रही हूँ, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं गोवा ही जाऊँगी और फिर देखिए मैं परेशान होंगी। इसी तरीके से हमारा गोल कुछ और होता है, हम सोचते और करते कुछ और हैं। और देखिए, अगर आपने 2022 में जाने से पहले इस चीज़ की चेकिंग करके इसको करेक्ट कर लिया, तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, और मेरी यही विश है कि जो भी आप अपने लिए 2022 के लिए चाहते हैं, ये रीडिंग उसी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। और इसी के साथ हम 2022 की रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगोज, इससे पहले कि हम 2022 की रीडिंग शुरू करें, एक नज़र 2021 को देख लेते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, 2021 में आप लोगों के लिए क्या रहा? तो देखिए, 2021 के लिए सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है सिक्स ऑफ वॉन्स रिवर्स।
और सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड टैरो में कहीं विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, अपने गोल अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, कहीं अपने लिए स्टैंड लेने की बात करता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ मसले कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे देखिए हो सकता है कि अगेन अपने गोल अपने मकसद के लिए आपने काफ़ी एफर्ट किया, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन उस तरीके के रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिला, या मैं कह सकती हूँ कि सक्सेस आपको नहीं मिली, किसी लेवल पे किसी तरीके का फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया। कहीं देखिए बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाहते थे, अगेन अपने लिए स्टैंड्स लेना चाहते थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे, और कहीं वो भी आप नहीं ले पाए। कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से अगेन मैं कहूँगी आप आगे नहीं बढ़ पाए, और उतना एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज भी जो भी अगेन मैं कहूँगी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से नहीं रही। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके पीछे से कुछ लोगों ने आपके बारे में काफ़ी बातें करी। और देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा था, कहीं डीपर लेवल के लिए साइलेंस का कार्ड कहता है कि आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत पीसफुली हर चीज़ को डील किया, बियॉन्ड अ पॉइंट आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या मैं कह सकती हूँ कि किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं किया कि वो आपके मन के सुकून को ख़राब कर पाए या फिर आपको परेशान कर पाए। और देखिए कहीं मिड 2021 के लिए चैरियट रिवर्स का कार्ड भी सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड भी कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, और कहीं ये कार्ड भी रिवर्स है। तो कहीं देखिए मिड 2021 के लिए अगेन एक सिमिलर सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह रहे थे, एक मूवमेंट एक शिफ्ट किसी भी चीज़ के लिए लाना चाह रहे थे। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए अगेन ट्रैवल हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जो आप लाना चाह रहे थे नहीं ला पा रहे थे, या फिर ये चेंजेस आ रहे थे और आप इतना ज़्यादा इन चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चैरियट के नीचे यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे थे, लेकिन इसी से ही रिलेटेड काफ़ी इश्यूज काफ़ी मसले रहे। तो देखिए ओवरऑल अगर हम मिड 2021 तक के लिए देखें तो कहीं आप चीज़ों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं, कहीं यू नो अगेन मैं कहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस कम रहता हुआ दिख रहा है, कहीं एसर्टिवली बहुत ही कॉन्फिडेंटली अगेन मैं कहूँगी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर मैं कहूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगेन बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी मिड 2021 तक रहा, कहीं एंड 2021 में एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कहीं यू नो एंड 2021 में आपको एक डायरेक्शन दिखी, जो भी कंफ्यूजन थी कहीं यू नो वो सॉर्ट आउट हुई, और बहुत एक उम्मीद बहुत एक होप भी किसी चीज़ के लिए जागती हुई दिखी। यहाँ पे द स्टार का कार्ड पॉजिटिविटी की बात करता है, होप की बात करता है, एक डायरेक्शन दिखने की बात करता है, और कहीं एडवेंचर का कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बच्चे के पीछे अंधेरा है और सामने लाइट है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मसले मिड 2021 तक रहे उन्हीं से ही रिलेटेड एक उम्मीद एक होप जागती हुई दिखी, कहीं यू नो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या अदरवाइज भी आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिए, आपने अपने गोल अपने मकसद के लिए कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से बेबी स्टेप्स लिए। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि एंड ऑफ 2021 आप लोगों के लिए यू नो अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर से मैं कहूँगी कि कहीं यू नो लास्ट फोर मंथ्स ऑफ 2021
A1 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहे, जहाँ पे अगेन एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक क्लैरिटी थी, एक आपको डायरेक्शन दिखी, आपने कैलकुलेटेड रिस्क भी लिए, आपने कहीं यू नो बेबी स्टेप्स भी अपने गोल अपने मकसद के लिए लिए। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए 2021 का ओवरव्यू। और वर्गोज अब देखते हैं कि इन जनरल या फिर ब्रॉडली स्पीकिंग 2022 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से लाइफ के एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हैप्पीनेस एंड हेल्थ। तो बहुत सारे वर्गोज के लिए मुझे दिख रहा है या तो आप हैप्पीनेस हेल्थ सॉरी वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं या फिर ये दोनों ही चीज़ें 2022 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। यानी कि अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक खुशी लेकर आएँ, कैसे एक हैप्पी एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उस पर फोकस है, कैसे आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी लाइफ में लेकर आएँ, या फिर से मैं कहूँगी कि ये दोनों ही चीज़ें 2022 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। और देखिए एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जुपिटर, और जुपिटर कहीं यू नो एक्सपेंशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, जुपिटर वेल्थ का कारका होता है, कहीं यू नो कंसीव या कंसेप्शन की भी बात करता है, स्पेशली जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। नहीं तो इन जनरल भी देखिए अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जुपिटर की एनर्जीज बहुत सपोर्टिव होती हैं और बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर माना जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सबसे बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर होता है, कहीं सीखने सिखाने की बात करता है, कहीं यूनिवर्स या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स की बात करता है, गुड फॉर्चून की बात करता है। और यही सब चीज़ें आप लोगों के लिए भी 2022 में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका गोल है, उसी से ही रिलेटेड एक एक्सपेंशन, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस पे या तो आपका फोकस है या फिर एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस हो रही है। और अगेन देखिए फॉर्चून आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है। और देखिए वर्गोस जब फॉर्चून हमारा साथ दे यानी कि यू नो डेस्टिनी हमारा साथ दे तो छोटे मोटे मसले बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी 2022 में रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे वॉरियर का भी कार्ड है तो कुछ इश्यूज़ कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि साथ ही साथ जिस गॉड को आप मानते हैं या फिर इन जनरल यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे वेल्थ का कार्ड था, जुपिटर भी कहीं वेल्थ के कारका होते हैं तो अगेन देखिए ये कार्ड भी उन्हीं एनर्जीज़ को कन्फर्म कर रहा है। या तो आप यू नो फाइनेंशियल एक ग्रोथ अपनी लाइफ में चाह रहे हैं या फिर एक फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। और देखिए जुपिटर कहीं पढ़ने पढ़ाने की बात करता है, सीखने सिखाने की बात करता है, तो ऐसा भी कुछ 2022 में आप लोगों के लिए दिख रहा है, जहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसी से ही रिलेटेड और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं, कहीं यू नो हायर एजुकेशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है जो आप यू नो 2022 में करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जो लोग प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हैं या फिर यू नो प्रोफेशनल लाइफ नहीं है उनकी, तो वो भी यू नो जो भी कर रहे हैं, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं तो हो सकता है कि खाना बनाने से रिलेटेड कोई चीज़ सीख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ सीखते सिखाते दिख रहे हैं या फिर किसी को सिखाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एंजल कार्ड से भी आप लोगों के लिए स्टडी का कार्ड है, तो कहीं जुपिटर और स्टडी दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे की एनर्जीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सीखना सिखाना लाइफ के लेसन्स भी हो सकते हैं। यस देखिए लाइफ सबसे बड़ी हमारी टीचर है और सबसे ज़्यादा एक लर्निंग्स हमें लाइफ से ही मिलती हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती या फिर जब हम किसी भी चीज़ में फ़ेल होते हैं वो सबसे बड़ी हमारी लर्निंग होती है, या फिर से मैं कहूँगी कि वो सबसे ज़्यादा हमें सिखाती है। तो कुछ ऐसा भी आप लोगों के लिए दिख रहा है, हो सकता है अगेन मैं कहूँगी पास्ट की कुछ मिस्टेक्स हैं, पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जिनसे आप 2022 में एक लर्निंग ले रहे हैं।
और देखिए स्कॉर्पियो राशि कहीं यू नो इंटेंस इमोशंस की बात करती है, कहीं पॉजिटिव एनर्जीज की बात करती है, कहीं सीक्रेसी भी किसी लेवल पे मेंटेन करने की बात करती है. तो कुछ ऐसा भी वर्गोस ब्रॉडली स्पीकिंग 2022 में आप करते हुए दिख रहे हैं. अगेन जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए बहुत एक पैशनेट एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत एक इंटेंस इमोशंस दिख रही हैं. और उसी चीज़ के लिए या फिर इन जनरल भी आप चीज़ों के लिए से होते हुए दिख रहे हैं. कहीं एक सीक्रेसी मेंटेन करना चाह रहे हैं, यानी कि सबको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस या फिर अपने प्लान्स आप नहीं बताना चाह रहे हैं या नहीं बता रहे हैं. एंड देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस का कार्ड कहीं सिबलिंग्स की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है, कनेक्शंस की बात करता है, नेबरहुड की बात करता है, कहीं शॉर्ट ट्रैवल की भी बात करता है. और ये भी कहीं 2022 में आप लोगों के लिए दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस के साथ जुपिटर और स्कॉर्पियो के कार्ड्स हैं और जुपिटर कहीं स्कॉर्पियो राशि में बहुत कंफर्टेबल हैं. तो यहाँ पे देखिए इन तीनों कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ भी इश्यूज पीछे अगर आपके सिबलिंग से रहे तो वो कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, या फिर नेबरहुड में भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले अगर रहे, यानी कि अगेन मैं कहूँगी कि पड़ोसियों से यू नो कुछ इश्यूज रहे, लोकल एरिया में अगर कुछ इश्यूज रहे तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका बॉन्ड बेटर हो रहा है, आपके नेबरहुड में यू नो आपके कनेक्शंस और स्ट्रांग हो रहे हैं, या फिर इन चीज़ों पे 2022 में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और कहीं देखिए थर्ड हाउस हार्डवर्क का भी कार्ड होता है, तो आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हुए भी दिख रहे हैं. एंड देखिए यहाँ पे नेपच्यून का कार्ड कहीं फैंटेसीज की बात करता है, डिज़ायर्स की बात करता है. तो अपने गोल, अपने मकसद से रिलेटेड कहीं यू नो एक ड्रीम्स भी आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं. और यहाँ पे भी देखिए विजन का कार्ड है, तो फिर से मैं कहूँगी कि एक विजन आप बनाते हुए दिख रहे हैं. और देखिए कुछ भी हम पाना चाहें वर्गोस, विजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि विजन से ही हमें क्लैरिटी मिलती है. और कहीं देखिए यहाँ पर टॉरस का कार्ड कहता है कि एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच भी अपने गोल्स, अपने मकसद के लिए आप लेते हुए दिख रहे हैं. कहीं यू नो अगेन एक हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस का कार्ड कहीं व्हीकल्स की बात करता है, लैंड प्रॉपर्टी की बात करता है, कहीं घर की बात करता है. तो देखिए कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, आप अपना व्हीकल लेना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक ड्रीम, एक विजन आप क्रिएट कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं यू नो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए देखिए अगेन व्हीकल भी हो सकता है जो आप लेना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि आपका ड्रीम व्हीकल है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड यू नो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं. और क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का भी कार्ड होता है, तो अपनी मदर से रिलेटेड भी कोई ड्रीम, कोई विजन आप क्रिएट कर रहे हैं. तो देखिए ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज 2022 में आप लोगों के लिए दिख रही हैं. एंड देखिए यहाँ पे ब्रिज का कार्ड भी कहीं जिस भी चीज़ को लेकर एक दूरी पीछे आई, एक डिस्टेंस पीछे आया, वो भी कहीं यू नो कम होने की बात करता है या फिर किसी लेवल पे ख़त्म होने की बात करता है. और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनसे एक डिस्टेंस, एक दूरी पीछे यू नो आपकी लाइफ में आई. कुछ लोगों के लिए सिबलिंग्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. कुछ लोगों के लिए आपकी कोई ड्रीम, आपकी कोई विश, कोई डिज़ायर हो सकती है जो आपको लग रहा था कि भाई बहुत ही दूर है, पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है. या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़, कोई जगह भी हो सकती है जिसको लेकर एक दूरी, एक डिस्टेंस आप महसूस कर रहे थे, कहीं 2022 में वो डिस्टेंस, वो दूरी भी कम होती हुई दिख रही है. एंड यहाँ पर देखिए सोलमेट का भी कार्ड है, और जो लोग स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए देखिए हो सकता है या तो आप अपने सोलमेट को मिल रहे हैं, या फिर जो भी आपके सोलमेट हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर यू नो उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं.
एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू आर गुड एट हेल्पिंग काउंसलिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो देखिए कुछ वर्गोस के लिए गॉडेस की तरफ से मैसेज हो सकता है कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे आपके आसपास हैं, आप जिस भी तरीके से कन्वीनियंट हैं उसी तरीके से उनकी हेल्प ज़रूर करें। यानी कि अगर फाइनेंशियल हेल्प में आप कंफर्टेबल हैं तो फाइनेंशियली उनकी हेल्प करें, अगर आप अपने टैलेंट्स अपने स्किल्स को शेयर करने में कंफर्टेबल हैं तो देखिए इस तरीके से आप उनकी हेल्प करें, या फिर से मैं कहूँगी गाइडेंस काउंसलिंग या किसी भी तरीके से जो आपको कन्वीनियंट है आप उस तरीके से, अगेन जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे आपके आसपास हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि 2022 में कहीं आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं। और देखिए यहाँ पे एफ्रोडाइट इनर गॉडेस का कार्ड कहता है अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। देखिए वर्गोस कितनी बारी मैंने वीडियोस में आप लोगों को कहा है बहुत सारे हमारे लाइफ के मसले प्रॉब्लम्स का हल सल्यूशन कहीं सेल्फ केयर सेल्फ लव है, क्योंकि देखिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप दूसरों को प्यार करें आप दूसरों की केयर करें, लेकिन किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि जितना इम्पॉर्टेंट दूसरों को लव करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट खुद को भी लव करना है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं दो चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही बैलेंस आपने कहीं 2022 में भी मेंटेन करना है। अगेन देखिए कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में हैं और कुछ लोगों के लिए गॉडेस की तरफ से मैसेज है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, कहीं यू नो आप अपने आप को भी फ्रंट सीट पे रखें, कहीं आप सेल्फ केयर सेल्फ लव ज़रूर करें, कहीं आप खुद को भी अप्रिशिएट ज़रूर करें। एंड मूनोलॉजी से म्यूटेबल मून का कार्ड कहता है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कुछ चीज़ों को लेकर अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी ने आपको कुछ प्रिडिक्ट किया या फिर कहीं से यू नो आपने कुछ पढ़ा या यू नो इन जनरल भी अगर किसी भी ऐसी चीज़ में आप विश्वास रख रहे हैं तो यहाँ पे ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है और कुछ भी फिक्सेटेड नहीं होता है। देखिए एक ही चीज़ लाइफ में कांस्टेंट है और वो है चेंज। तो हर चीज़ बदल रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। रात हमेशा के लिए नहीं रहती, सुबह हमेशा के लिए नहीं रहती, ऐसे ही ना तो खुशी हमेशा के लिए रहती है ना दुख हमेशा के लिए रहता है। इसीलिए शायद कहते भी हैं कि खुशी में बहुत खुश ना हो और दुख में बहुत दुख ना हो। और कहीं यही मैसेज आप लोगों को भी यू नो 2022 के लिए ये कार्ड दे रहा है, या फिर ऐसी एनर्जीज में बहुत सारे वर्गोज रह रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए वैक्सिंग मून का कार्ड कहीं ग्रोथ की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, इंक्रीज की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक बढ़ोतरी किसी भी लाइफ के एरिया में होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन देखिए बाकी सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो एक पॉजिटिव ग्रोथ एक पॉजिटिव प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है और काफ़ी हद तक वोगोज हमारे भी हाथ में होता है कि यू नो किस चीज़ को लेकर हम एक इंक्रीज या फिर एक ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर आएं, क्योंकि जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी कि एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स अपनी डिज़ायर्स पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं यू नो आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में तो नहीं हैं, कहीं आप लैक पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फिर से देखिए जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही चीज़ बढ़ेगी भी, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड कार्डिनल मून का कार्ड कहता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो भी आप चाहते हैं 2022 के लिए उसी से रिलेटेड देखिए आप एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए विजन का कार्ड था,
तो कहते भी हैं विजन विदाउट एक्शन इज नथिंग. तो आप विजन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगेन विजन से क्लैरिटी आती है. लेकिन अगर अपने ख्वाबों को लेकर, अपने विजन को लेकर हम एक्शन नहीं लेते हैं, इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, तो उस ख्वाब, उस विजन का कोई फायदा नहीं होता है. तो फिर से देखिए, बहुत सारे वर्गोज ऐसी एनर्जीज में रह सकते हैं जहाँ पे बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगेन एक्शन ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए मैसेज है. तो देखिए, शायद मैंने सारे ही कार्ड्स कवर कर दिए हैं, और अब देख लेते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स आप लोगों के लिए 2022 में रहेंगे. तो देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब ये नहीं है कि ये मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे. सिग्निफिकेंट का मतलब है कि कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट, यू नो, अच्छा या बुरा इन मंथ्स में हो रहा है. तो देखिए, यहाँ पे मार्च, अक्टूबर एंड नवंबर, ये तीनों ही मंथ्स काफ़ी सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए 2022 में रह सकते हैं. तो ये था वर्गोस इन जनरल 2022 का एक ओवरव्यू. क्या 2022 लेकर आ रहा है, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, और कौन से एरियाज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं. तो वर्गोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में आप लोगों के लिए क्या रहेगा. तो देखिए, इन्हीं 4 मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टिसिपेशन. और ये कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं 2022 की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है. यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, ज़्यादा लोगों से मिलने की, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है. और कुछ ऐसा ही या तो मन ही मन आप चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि या तो कोई सेलिब्रेशन है, या फिर किसी सेलिब्रेशन को लेकर कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन चल रहा है. और देखिए, इन जनरल के लिए अगर हम देखें, तो हो सकता है कि अगेन आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आप सोशलाइज़ कर रहे हैं. और देखिए, पार्टिसिपेशन के ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं, यू नो, एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है. और कुछ ऐसा ही आप भी करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस है, या फिर टैंजिबल मटेरियलिस्टिक मनी, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है. और देखिए, इन जनरल के लिए कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि या तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप किसी भी लाइफ के एरिया में लाना चाह रहे हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी भी लाइफ के एरिया में आप महसूस कर रहे हैं. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए करियर, जॉब, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, जिसमें अगेन या तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है. और देखिए, एक किंग का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं जिनकी तरफ से एक मटेरियलिस्टिक, एक, यू नो, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी एक कोऑपरेटिव, काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं. और देखिए, कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं. और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं, तो फिगर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है. तो कहीं बहुत सारी चीज़ों को, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप, यू नो, अवॉइड कर रहे हैं, कहीं आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, कहीं आप चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, और ये डिसीजन, ये चॉइस आप नहीं ले पा रहे हैं. कहीं आप 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, जिसमें एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं. लेकिन देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे रिसेप्टिविटी का कार्ड कहता है लव, प्यार, मोहब्बत, फैमिली,
या फिर लव्ड वंस रिलेशनशिप्स को लेकर ये स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। कहीं यू नो हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा दिया और मिड ऑफ दीज फोर मंथ्स में आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आपको वापसी मिलनी चाहिए, और इसीलिए शायद यू नो एक इन एक्शन या फिर इनडिसाइसिव एनर्जीज में आप हैं। तो देखिए, जो भी हो वर्गोस, मैं आपको यही कहूँगी कि जब हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो कहीं यू नो हम अपने सल्यूशन से या फिर उन चीज़ों को सॉल्व करने से और दूर जाते हैं। कहीं हम चीज़ों को पाइल अप करते रहते हैं और कहीं टेम्प्ररी तो हमें गेन हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि देखिए, कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो टेम्प्ररली तो वो खतरे को अवॉइड कर लेता है, लेकिन उसके आंखें बंद करने से बिल्ली उसके पास आना नहीं बंद कर देती है। जितनी देर वो आंखें बंद करता है उतना ही बिल्ली उसके पास आ रही होती है, और अगर फिर से मैं कहूँगी वो आंखें खोल के उस चीज़ को नहीं डील करता है तो बिल्ली कहीं यू नो उसके इतनी नज़दीक आती है और उसको खा लेती है। इसी तरीके से देखिए, जिस भी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, उससे वो कहीं हल नहीं हो रही है, उससे कहीं वो सॉल्व नहीं हो रही है, कहीं यू नो उतना ही वो प्रॉब्लम, वो परेशानी आपके और नज़दीक आती जा रही है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, फिर से जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स यानी कि मिड मार्च से लेकर अप्रैल तक के लिए यहाँ पे सन का कार्ड बहुत एक हैप्पी एनर्जीज की बात करता है, कहीं यू नो एन्जॉयमेंट की बात करता है, कहीं जॉयफुल यू नो एनर्जीज की बात करता है, एक क्लैरिटी की बात करता है, कहीं एक यू नो नॉलेज और विजडम की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली अगेन सेलिब्रेशन हो सकती है या फिर कोई भी चीज़ आप इन्जॉय कर रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, तो उसी से ही रिलेटेड अगेन एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कहीं एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। बहुत विजडम के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर एक नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं या फिर अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप वेकेशन कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर वेकेशन करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम काफ़ी फेवरेबल रह सकता है, या मैं कह सकती हूँ कि सन की एनर्जीज बहुत सपोर्टिव रह सकती हैं। और देखिए, सन के नीचे यहाँ पे द माइजर का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे तो बहुत एक हैप्पी, बहुत एक जॉयस यू नो एनर्जीज हैं, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप अटैच होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ बहुत टाइटली आप पकड़ के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भी देखिए, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई बात हो सकती है जिसको आप बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, वर्गोस, मैं आपको यही कहूँगी कि हमारी लाइफ में दो ही दुख के कारण हैं, एक अटैचमेंट और दूसरा एक्सपेक्टेशन। तो किसी भी चीज़ को लेकर आप अटैच हो रहे हैं, अगेन अपनी किसी बात को लेकर, ईगो को लेकर, बिलीफ सिस्टम को लेकर, जगह रिलेशनशिप को लेकर, तो ये अटैचमेंट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन, जिस भी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं उसी चीज़ के लिए थोड़ी सी अपनी ग्रिप को ढीला करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं चीज़ों को लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि सन अगेन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज़ की बात करता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए यहाँ पे मॉडेस्टी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं इन फोर मंथ्स में, बहुत बहुत ख्याल रखें कि हर चीज़ को बैलेंस तरीके से ही करें। और मैंने बहुत बारी वर्गोस आप लोगों को कहा है कि जब भी किसी भी चीज़ में एक इम्बैलेंस आता है तभी कहीं यू नो हमारी लाइफ में परेशानियाँ भी आती हैं,
कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है या ज़रूरत से कम होती है तभी इश्यूज़ और अगेन प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं। देखिए, खाने में नमक सबसे अहम है और जब यही नमक ज़रूरत से ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारे खाने को ख़राब करता है। ऐसे ही लव रिलेशनशिप्स में देखिए एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लव केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब यही चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, यानी कि जब आप अपने पार्टनर की ओवर लव करते हैं, ओवर केयर करते हैं, ओवर एडजस्ट करते हैं, ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तभी कहीं यू नो उस रिलेशनशिप को भी आप अपने ही हाथों से ख़राब करते हैं। और देखिए ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में भी, जब हम ओवर गिविंग होते हैं या फिर ओवर हार्ड वर्क करते हैं तभी कहीं लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और तभी कहीं यू नो एक इश्यूज़ भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करें। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि लाइफ बहुत सिंपल है और कहीं हम ही इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ख्याल रखें कि आप सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील करें। देखिए, जो भी आप पाना चाहते हैं यानी कि आपका क्या गोल है उसको आप अपने सामने रखें और टाइम टू टाइम यू नो अपनी चेकिंग करें कि जो आप कर रहे हैं वो आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहा है या फिर आपको आपके गोल से परे लेकर जा रहा है। अगर परे लेकर जा रहा है तो ज़रूर झट से यू नो अगेन चेकिंग करके आप अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को अपने गोल के साथ अलाइन करें। और देखिए, ऐसा भी आप करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर कर पाएंगे। और देखिए, इन जनरल में भी इस चीज़ को अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो बहुत सारे मसले अपनी लाइफ के आप अवॉइड करेंगे, या मैं कह सकती हूँ कि अपनी लाइफ को आप बहुत सिंपल कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे ऑफन का कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स में एक अकेलापन भी आप महसूस कर सकते हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह सकते हैं। हालांकि देखिए, हम अगेन इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ देखें तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन एंड सन के कार्ड्स कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या फिर लोगों के आसपास रहने की बात करते हैं। और कभी कभी वर्गो सब लोगों के होते हुए भी एक अकेलापन या तो हम महसूस करते हैं या फिर एक अकेलापन हम चाहते हैं, तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़, देखिए ऑफरन का कार्ड कहता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी बियॉन्ड अ पॉइंट डिपेंड ना करें और आप इंडिपेंडेंट होके ही हर चीज़ को करें। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 की एनर्जीज। एंड वर्गोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं किसी चीज़ के लिए लुक फॉरवर्ड करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अगेन मैं कहूँगी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे यू नो अगेन किसी चीज़ को आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी किसी लेवल पे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी रह रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, आप कर रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की खुद की चाइल्डिश सी एनर्जीज हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ आप कर रहे हैं, कहीं नए नए तरीके से यू नो अगेन मैं कहूँगी आप उस काम को करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी यू नो इस दौरान आपको मिल सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और देखिए ये अपॉर्चुनिटीज़ छोटी ही रहती हुई दिख रही हैं, बहुत बड़ी नहीं होंगी क्योंकि ये पेज का कार्ड है। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप अवेल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं तो आगे जाके काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए ला सकती हैं। और देखिए, शायद इन्हीं वजह से या अदरवाइज भी हीलिंग का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, हर्ट हो रहे थे,
तो उसकी भी हीलिंग होती हुई दिख रही है। कहीं कैसे एक यू नो पीस ऑफ माइंड, सुकून आप अपनी लाइफ में लेकर आएं, उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे आप ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, फोकस कर रहे हैं, या फिर लव रिलेशनशिप्स भी आप लोगों के लिए इस दौरान यू नो इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे जैसे देखिए इन 4 मंथ्स में हम आगे जाते हैं, कहीं द मैजिशियन का कार्ड बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, थोड़ी सी मैनिपुलेशन के साथ, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स एंड मैजिशियन के कार्ड्स किसी लेवल पे एक कंट्रास्टिंग सी या कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स इन एक्सपीरियंस की बात करता है, कहीं यू नो किसी भी चीज़ में, जैसे बोलते हैं ना कि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। और मैजिशियन का कार्ड कहता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं आपको उसी से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है या पूरी नॉलेज है, और आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो टैलेंट है, वो स्किल है उसको करने का। तो देखिए नटशेल में कहीं यू नो इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग एंड मिड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ, या फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी चलते हुए दिख रहे हैं। और फिर से देखिए यहाँ पे या तो मैजिशियन की एनर्जीज आपकी हो सकती हैं या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, जो थोड़े से डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, जिनकी वजह से एक मैजिकल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। और देखिए मैजिशियन के नीचे कहीं मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आपको लोग देखेंगे तो यही कहेंगे इनको सब पता है, इनको सब नॉलेज है, लेकिन मन ही मन आप थोड़े से कॉन्शियस या थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कदम फूक फूक के आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत संभल संभल के आगे बढ़ रहे हैं। आपको मन ही मन ऐसा लग सकता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ आपसे ना हो जाए जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से कुछ मसले हों। और कहीं देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे 7 of Pentacles रिवर्स एंड लेटिंग गो के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे यू नो आप थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा विचारते हुए दिख रहे हैं कि भाई अब आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। जो भी अभी तक आपकी लाइफ में चल रहा है, या मैं कहूँगी जिस भी लाइफ के एरिया पे इन 4 मंथ्स में आप फोकस कर रहे हैं, कहीं यू नो अगेन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या जो चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, या फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, या फिर यू नो अगेन मैं कहूँगी यू टर्न ले लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस भी इस दौरान आपको लेनी पड़े। और कहीं देखिए 7 of Pentacles के नीचे लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि इसी डिसीजन, इसी चॉइस की वजह से या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि किसी चीज़ को भी आप लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफर कर सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और मैं फिर से कहूँगी कि कोई भी चीज़ या तो आप लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग अगर इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को देखें तो किसी लेवल पे एक एंथुजियाज़म रह रहा है स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में, आगे जाके इसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी बहुत एक कॉन्फिडेंस एनर्जीज़ हैं। और देखिए मैजिशियन का कार्ड कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, तो कुछ लोग लिटरली यू नो ये मैजिकल एनर्जीज़ भी किसी चीज़ के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कोई वेकेशन हो सकती है, या फिर जो भी आपकी इस टाइम पीरियड में डिज़ायर है, विश है, उसी के लिए आपको अपने ऊपर, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है भाई आपके पास सारा टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं इस चीज़ को पाने के लिए, और कहीं आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। दो फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन आप बहुत संभल संभल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
लेकिन फिर से एंड ऑफ दीज फोर मंथ्स के लिए कहीं कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस यू नो हो सकता है आपको लेनी पड़े, या फिर आप थोड़ा सा पॉज करके पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ों ने आपकी लाइफ में एक यू नो बेटर एनर्जीज लेकर आए, या फिर किन चीज़ों की वजह से आपको बेनिफिट हुआ, किन चीज़ों की वजह से आपको नुकसान हुआ, क्या आपको यू नो फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और देखिए लेटिंग गो का कार्ड भी कहीं किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करने की बात कर रहा है, और फिर से देखिए ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए जो भी इन फोर मंथ्स में हो रहा है ओवरऑल की एनर्जी के लिए यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, तो कहीं यू नो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आप एक हैप्पी एनर्जीज में दिख रहे हैं। और वो गुज़ मैंने हमेशा कहा है कि ये ज़िंदगी है, हमेशा ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, और कहीं यू नो हमेशा ही खुशियाँ भी नहीं होती हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है। लेकिन अगर बियॉन्ड द पॉइंट इन चीज़ों से हम इफ़ेक्ट ना हों तो फिर हम खुश ही रहते हैं। और देखिए वैसे इन कार्ड्स को भी देखें तो एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। इनफैक्ट देखिए मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं, हीलिंग भी किसी लेवल पे एक हीलिंग होने की बात करता है। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए द रिसेप्टिव का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इन फोर मंथ्स में अगर आप थोड़ा सा यू नो चीज़ों को सोच समझ के करें, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक पैसिव सी एनर्जीज रखें, आप ओवर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, ओवर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, अगेन देखिए इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे इम्पल्सिव एनर्जीज की भी बात करता है, और कहीं मैजिशियन का कार्ड भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। तो वो गुज़ मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप एक्शन इनिशिएटिव ना लें, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टिव का कार्ड कहता है कि आप बहुत सोच समझ के यानी कि बहुत ही केयरफुली एक्शन और इनिशिएटिव्स लें, अगेन आप जल्दबाजी ना करें, इम्पल्सिव ना हो, और थोड़ा सा सब्र पेशेंस अगर इस टाइम पीरियड में आप रखेंगे चीज़ों को लेकर, तो देखिए आप इन चार मंथ्स की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। और देखिए कहते भी हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो कहीं अगेन इन्हीं एनर्जीज़ में आप इस वीक रहें, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए मई जून जुलाई अगस्त की एनर्जीज। एंड वर्गोज़ इस वीडियो में हम देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो देखिए इन फोर मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड मुझे दिख रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मनी, और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं, और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि इन फोर मंथ्स की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की बात करता है, और जहाँ देखिए ये एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी की बात करता है, वहीं किसी चीज़ को लेकर अटैचमेंट भी रखने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं देखिए एक स्टेबिलिटी एक सिक्योरिटी तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अगेन किसी चीज़ से अटैच भी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी सब के लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए अगेन रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपना बिलीफ सिस्टम अपना थॉट प्रोसेस, या अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप बहुत अटैच हो रहे हैं, जिसको आप बहुत टाइटली पकड़कर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए अगेन जो भी हो रहा है सरफेस लेवल पे, डीपर लेवल के लिए हार्मनी का कार्ड कहता है कि यही एनर्जीज एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लेकर आ रही हैं, कहीं आपको किसी लेवल पे या मन ही मन एक हैप्पीनेस एक जॉय भी देती हुई दिख रही हैं, कहीं एक सुकून भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे रिलेटेड फ़ायदा पैसे रिलेटेड गेन भी काफ़ी सारे लोगों को रह सकता है, या फिर से मैं कहूँगी कि देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर या फिर टैंजिबल चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर एक इन्वेस्टमेंट भी या तो आप करना चाह रहे हैं
या फिर आप कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन 4 मंथ्स में आप आगे जाएंगे, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस रिवर्स एंड कंडीशनिंग के कार्ड्स कहते हैं कि एक अनसर्टेनिटी सी रह सकती है, एक कहीं मिस्टीरियस सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, क्या आगे होगा। शायद आप चीज़ों से या तो विड्रॉ करना चाह रहे हैं या फिर आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। आप या तो इतना एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा भी नहीं आप कर पा रहे हैं। आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को भी फॉलो करना चाह रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि एक क्लैरिटी नहीं आती हुई दिख रही है। कहीं जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर या किसी खास एरिया को लेकर एक अनसर्टेनिटी, एक अनश्योरिटी सी रहती हुई दिख रही है। और शायद इसीलिए अदरवाइज भी यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि जो भी माहौल है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से कहीं एक एडजस्टमेंट्स, कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 10 of Cups रिवर्स का कार्ड फैमिली की बात करता है, कहीं अगेन किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, हैप्पीनेस जॉय की बात करता है, और कहीं इन्हीं चीज़ों में कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी रह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है और दूसरी बात 10 of Cups के नीचे हमारे पास थंडरबोल्ट का कार्ड है। तो देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस या फिर फैमिली या फिर किसी लव्ड वन के साथ चीज़ें काफ़ी उथल पुथल हो सकती हैं। जो स्टेबिलिटी आपने इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में महसूस करी, कहीं वो स्टेबिलिटी भी गड़बड़ाती हुई दिख रही है या उसको लेकर भी इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक अनसेटलिंग सी फीलिंग या फिर अनसेटलिंग सी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कहीं यू नो इन 4 मंथ्स के एंड में रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई कोई चीज़ आपको सफोकेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, आप सडनली उसमें से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये निकलना भी इतना कंफर्टेबल रहता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी कि नटशेल में बहुत एक उथल पुथल रहती हुई दिख रही है, कहीं स्ट्रक्चर या कोई चीज़ आपकी लाइफ की हिलती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे ओवरऑल की एनर्जीज़ के लिए ब्लेस्ड का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज मिड ऑफ़ दीज 4 मंथ्स से लेकर एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आ रहे हैं, कहीं यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स, कहीं यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ वर्गोज या काफ़ी सारे वर्गोज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और देखिए, जब भी कोई मसला आता है तो हमें यूनिवर्स या फिर जिस गॉड को हम मानते हैं उनका ही ध्यान आता है, तो कुछ लोग अगेन यू नो अपने इष्ट को या फिर जिस गॉड को मानते हैं उनको ध्यान कर रहे हैं। कहीं यू नो अगेन मैं कहूँगी कि आप यू नो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल ब्लेस्ड का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है, हो सकता है कि इन 4 मंथ्स में आप ना देख पाएँ लेकिन वो यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है, या मैं कह सकती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अगेन जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन यही चीज़ काफ़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रही है। या फिर देखिए, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। एंड गाइडेंस से देखिए, यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड कहता है कि अगर टाइमली हम चीज़ों से विड्रॉ कर लें या फिर सही टाइम पे हम चीज़ों से मूव ऑन कर जाएं, स्पेशली जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें हमें किसी लेवल पे परेशान कर रही हैं, तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे मसले हम अपनी लाइफ के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे ही सीज़न बदलता है उन्हें पता होता है कि अब वो इस जगह पे रहीं तो वो अपने लिए प्रॉब्लम लेकर आएंगी, उनको यू नो एक ख़तरा रह सकता है,
तो भले ही उनका मन हो या ना हो, लेकिन वो जगह छोड़ देती हैं। और देखिए, हम ह्यूमंस मन ही मन हमें दिख भी रहा होता है कि भाई इस रिलेशनशिप से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस सिचुएशन से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर किसी भी चीज़ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला और हम इस चीज़ में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो कहीं हम अपने लिए परेशानी ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो नटशेल में देखिए, इस कार्ड का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको अगर आप सही टाइम पे लेट गो कर लेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे, कहीं यू नो अगेन इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स की एनर्जीज़।